सब गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं चलो भाई चले फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस आज के इस नए व्लॉग में सबसे पहले तो हमने करा लिए नई लुक। तो गाइस आज वैसे तो मैं सुबह कहीं गया हुआ था, तो लेकिन हमें पता है कि आज क्या है, आज है गणेश चतुर्थी। तो गाइस इस फंक्शन के बिहाव पे, इस आयोजन के बिहाव पे यार कुछ तो आपको दिखाना चाहिए ना, राइट? तो गाइस आयोजन कैसा हुआ है, यहाँ पे गणपति जी पधारे हैं, मतलब विराजमान हुए हैं। तो गाइज अभी चल रहे हैं नीचे फटाफट से, पहले तो क्योंकि हम जाएंगे माँ के साथ, कोई नहीं। तो गाइज अपन चलते हैं फटाफट से नीचे, फिर निकलते हैं यहाँ से, सीधा आपको लेके चलेंगे वहाँ पे मंदिर में जहाँ पे गणेश जी विराजमान हुए हैं, और दिखाएंगे आपको कैसा कैसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है वहाँ पे, और बहुत अच्छा तरीके से सजाया हुआ होता है। मुझे सजावट जो देखता हूँ ना उसमें बहुत मज़ा आता है भाई, तो आपको भी दिखाते हैं सजावट। तो पहले फटाफट से नीचे चलते हैं, पहुँचते हैं नीचे फटाफट से। तो आगे भाई नीचे अभी निकलते हैं बाहर, वहाँ भी रेडी हो चुकी है ग्रीन ग्रीन, हमारा थोड़ा लाइट ग्रीन है, माँ का थोड़ा डार्क है। देख लो सुन लो भाई, बुधवार को ग्रीन कपड़े पहनते हैं, हमें नहीं पता था लेकिन फिर भी हमने ग्रीन पहन रखा है, थोड़ा लाइट ग्रीन है बाकी है ग्रीन ही। ठीक है, पहन लिया हमने बुधवार को ग्रीन। तो हमें चलो भाई चले फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। गाइस निकल गए बाहर, अभी चल रहे हैं बस फटाफट से पहुंचते हैं मंदिर दर्शन करने, गणपति बप्पा मोरिया। वैसे अंधेरा आ गया, अब कुछ दिखेगा नहीं, सीधा वहीं मिलते हैं। राम राम महाराज जी। बहुत बढ़िया, बस बस सजाया तो बहुत अच्छा हुआ है। अभी एक पीछे एक जगह और सजाया हुआ है, वहाँ पे भी चलते हैं मतलब फटाफट से ना, बाकी देख के बहुत मजा आया। गणपति बप्पा। चलो अभी यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक बढ़िया सी। ओह आगे से साउंड आ रहा है, यहाँ से निकलो। एक और जगह है तो चलते हैं वहाँ पे फटाफट से, पहुँचते हैं वहाँ पे फिर मिलते हैं आपको सीधा उसी जगह पे। तो एक और जगह पे आ गए हैं, आपको आवाज़ तो आएगी होगी, चलते हैं अंदर। क्या लिख रखा है? वेलकम बैक टू, भाई घर आ गए हैं वापस, आपको दिखा दिया है सारी जगह जितनी भी वहाँ पे जहाँ जहाँ विराजमान थे गणेश जी, जहाँ जहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। तो गाइस अभी क्या है कि हम घर पे आ गए हैं, तो आपको बताना चाहेंगे गणेश चतुर्थी का थोड़ा सा बताने के बारे में, वो बताएगी आपको माँ हमारी कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, क्या होता है इस दिन। गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाले दिन हुआ था गणेश जी का जन्म, यानी मावस के बाद चौथा दिन जो होता है उसको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप? इसलिए गणेश इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति को घर लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने सुना जो माँ ने बताया, तो हाँ जी बिल्कुल यही होता है, कोई हम
अलग नहीं बता रहे, यही चीज होती है। गणेश चतुर्थी का मीनिंग यही होता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। जैसे हमने लास्ट टाइम लास्ट व्लॉग में आपको बताया था जन्माष्टमी वाले दिन की, उस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो आज के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। और बोलो एक बार मेरे साथ सब, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, हमें तो बहुत मजा आया क्योंकि जहाँ जहाँ हम देख के ना, हो सकता है हम थोड़े लेट हो गए वहाँ पे क्योंकि पूजा वगैरह तो हो गई थी, भाई घर पे थे, हमारे भी 10 काम अटके हुए थे तो उस चक्कर में लगे हुए थे। तो बस ठीक है, फिर हम गए तो पूरा आपको मंदिर दिखाया, सत्यनारायण मंदिर हो गया और उसके बाहर भी वहाँ पे भी विराजमान थे मानक चौक में। फिर इधर यहाँ आगे गए थे, ये कौन सा मोहल्ला आता है मेरे को पता नहीं क्या नाम है उस मोहल्ले का, लेकिन वहाँ पे भी गए। हमें जहाँ जहाँ गणेश जी दिखे हम वहाँ वहाँ पहुँच गए आपके लिए, कि आपको दिखाएं कि कैसे यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये था गाइज गणपति बप्पा का व्लॉग जो हमने बनाया। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, लाइक गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय।